हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दो दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसके लिए वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए प्लीज माइंड लुक कीजिएगा। और मैं क्या बताऊँ मुझे क्या हुआ है, मैं बताऊँगी तो हंसोगे आप लोग, लेकिन मैं बता ही देती हूँ मुझे क्या हुआ है। मैं ना लिफ्ट में ना गिर गई थी, वो लिफ्ट थोड़ा ऊपर था और मैंने ध्यान नहीं दिया और चप्पल फंस गया उसी में और मैं गिर गई। ये तो हंसने वाली बात है, कोई भी हंसेगा, लेकिन चोट बहुत तेज आ गई। हाथ वगैरह में ऐसे गिरी थी ना, तो हाथ वगैरह पैर वगैरह में चोट लग गई है, थोड़ा चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैं दो दिन से लेटी हूँ, दवाई खा खा के चल रही हूँ। दवाई डॉक्टर को भी दिखा कर आई हूँ, पता नहीं कौन सा दवाई दिया है डॉक्टर, उसको खाने को ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो मैंने अभी तक उसको खाया नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मुझे मलाई से घी निकालना है, वो कर लूँ और बर्तन साफ कर लूँ, ये दो काम कर लूँ। और सोच रही हूँ बाल धो लूँ, क्योंकि दो दिन से ना सिर में इतना तेल लगा है, सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा तेल लगा लिया, तो हो सकता है कि बाल धोने की वजह से सर थोड़ा हल्का हो जाए, तो बाल भी धोऊँगी आज। चलिए हंसिएगा मत, कुछ खाया भी नहीं है, चल रही हूँ। खाना मैंने बना दिया एकदम सादा, सलोनी बनाया हुआ है। अभी मना करी ना, तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में।
हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, बाल धोई हूँ। सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैंने सोचा मैं बाल धो लूँ तो शायद ठीक हो जाए। और ये ट्रिक अपनाने से सही भी हो जाता है अगर सिर में दर्द रहता है तो। इसके लिए मैंने बाल धो लिया गर्म पानी से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा घी पक रहा है अभी, ठीक है। तो घी पकने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आज थोड़ा स्लो करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे वो नीचे का जो घी के नीचे का मठे होता है ना, वो भी चाहिए। तो घी वो पकाने के लिए आँच एकदम धीम करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से पके। तो पक रहा है, तब तक चलिए मैं थोड़ा सा अपने बालों को फोड़ लेती हूँ, कॉम्बिंग कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और घी पक रहा है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। तब तक बाय। सो गाइस, कुछ इस तरह से जो मठे वो है उसको खट्टा करते हैं, तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अब देखिए थोड़ा टाइम में, देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम में मैंने चलाते हुए किस तरह से मलाई को घी में कन्वर्ट किया है। देखिए यहाँ पे घी एकदम हो गया है। आप चाहें तो अभी भी निकाल सकते हैं, बट मुझे अभी और गर्म करना है इसको। इसके ऊपर जो आपको ये वाइट दिख रहा है ना, इसको हटाना है। तो थोड़ा और पका देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम और पकाते हैं इसको। तो चलिए पकाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक बाय बाय, सी यू सून गाइस, लव यू। सो गाइस, यहाँ पे फिर से देखिए हमारा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, जो घी है उसको निकाल लेंगे और जो नीचे का मलाई है, सॉरी मठेव है, उसको हम लोग इसी में रहने देंगे और थोड़ा टाइम के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। सो चलिए जल्दी से घी को निकाल लेते हैं। तो जो जिसमें मैं घी निकालती हूँ, मैं इसमें घी निकाल के रखती हूँ। एक मैंने 2 किलो का ऐसे ही जार भर के रख दिया है, एंड उसके बाद अब इसमें निकाल रही हूँ। सो मैं इसी से निकाल लूँगी और जो नीचे का है उसको फिर से कढ़ाई में डाल दूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा गिर गया, वो क्या था ना, ऊंचा खाला था तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलिए, थोड़ी गलती तो सबसे होती है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही होती है, मैं गलतियों की पिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हो गया है हमारा, एकदम आसानी से आप घर पे मलाई में से घी एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो थोड़ा टाइम हम लोग अभी इसको और पकाएंगे। सो देखिए पकते पकते थोड़ा सा और लाल हो जाएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी इसको। क्योंकि इसलिए बंद कर दूंगी, मैं गरम, जब भी मुझे रोटी खाना होता तो मैं गरम करती हूँ इसको। सो अगर ज़्यादा अभी गरम कर दूंगी तो बाद में गरम करूंगी तो एकदम काला हो जाएगा, तो इसके लिए बंद करना पड़ेगा। तो
देखिए हो गया, अब बस यही है आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलती हूँ। कैसे हो आप सब? ऐसा करते हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और घी देखा ना आप लोगों ने मैंने कैसे बनाया है मिक्सी में पीस के, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरा बाल सूखा नहीं है अभी तक और मैंने सिंदूर नहीं लगाया है, चल रही हूँ मैं सिंदूर लगाऊंगी। और दवाई खाई हूँ, नींद आ रही है। और मठेव भी मैंने इतना लाल किया है, अभी बाद में जब खाना रहेगा ना तो गरम करूँगी, रोटी के साथ खाते हैं नमक डाल के, तो उस वो गरम करने में ही वो क्या बोलते हैं गरम करने में ही वो हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो यही सब है। और पीछे कपड़ा टंगा हुआ है ना, हटाना है, टाइम नहीं मिल रहा है, हटा दूँगी अभी। और मैंने हल्का सा ही अप्लाई कर लिया है। और वीडियो तो रोज़ बनाओ तो भी कम है, लेकिन तबीयत सही नहीं है इसके लिए नहीं बना पा रही हूँ, बनाऊँगी जल्दी। और यही सब है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए प्यार से किए, बाय बाय।